बनेगा नक्शा मेरी दुनिया का, मैं जैसे चाहूं। आसमां में उड़ते मैं देखूं कई सारे देश नए नए। खोलो खोलो दरवाजे इसी समय मैं तो जाना चाहूं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा भूल कहीं समुद्र का बीच तो होगा ही। सही कहा तुमने, ये जगह बहुत ही सुंदर है। हाँ। सुनियो ये बताओ कि हम वहाँ कब पहुँचेंगे? ये तो सच में बहुत दूर है। बस ये जो पहाड़ है इसे पार करना है फिर हम पहुँच जाएंगे। इस सड़क पर ओवरटेक करना खतरनाक हो सकता है। ये कितना शोर मचा रहे हैं। अरे वाह, हम पहुंच गए। लेकिन यहाँ गर्मी बहुत है। ये सब बातें मत करो नोबिता और मजे करो। रात में हम लोग बहुत अच्छा खाना खाएंगे और उसके बाद हम एक प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं, है ना जियान? क्या एक बढ़िया सा प्रोग्राम है। और उसमें क्या होगा बताओ हमें। इंतजार करो, समय आने पर पता चल जाएगा। फिलहाल बीच पर चलो और स्विमिंग के लिए कपड़े बदल लो। अरे वाह, वो क्या हो सकता है, मुझे रुका नहीं जा रहा। ये बहुत बुरी बात है, यह इतना कूड़ा क्यों रखा है? ये तो बहुत बुरी बात है। शायद ये उन लोगों ने किया होगा। हो रही उनकी कार। ये तो वही लोग है जिन्होंने हमारी बस को ओवरटेक किया था। ये बहुत गलत बात है, चलो चलते हैं दोस्तों। तुम जाना नहीं चाहोगे क्या? तैरना चाहता हूँ लेकिन आता नहीं है, क्या करूँ? हे नोबिता, तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तुम बीच हाउस पर जाओ और बेड लगाओ, ठीक है? हाँ, मुझे ही ये सब क्यों करना है? तुम्हें तो पता ही है ना कि रात में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। हाँ लेकिन सुनियो, ये सब मुझे उठाना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं उठाना। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। समनिंग पिचो, क्या यहाँ पर कोई किताब है? एक किताब? हाँ ये वाली ठीक है, जब सुनियो बहुत छोटा था तब ये किताब पढ़ता था। तुम इस किताब के साथ क्या करोगे? बस देखते जाओ। अरे अरे वाह, ये तो फोटो से। इस गैजेट की मदद से हम किताब के लोगों को बुला सकते हैं। जरा सुनो, हमें टेबल और बीच बेड उठाकर दिखाओ। जो आ गया। अरे वाह, कमाल कर दिया, मेरी मदद की इसने। खाने के लिए धन्यवाद। बहुत ही स्वादिष्ट था। मैं अब और नहीं खा सकता हूँ। मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब हम सब खाना खा चुके हैं, इसलिए दोस्तों मैं तुम सबको एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। मैं इसका इंतजार कर रहा था। दरअसल बात ये है कि अब मैं आप सबकी बहादुरी का टेस्ट लूँगा। बहादुरी का टेस्ट? बहादुरी का टेस्ट?
हाँ बिल्कुल दोस्तों, गर्मियों में सबसे मजेदार चीज होती है पटाखों से खेलना और बहादुरी का टेस्ट देना। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। बहुत ही आसान काम है, हम सबको बस उस जंगल के अंदर वाले मंदिर तक जाना होगा। सब लोग रेडी है ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। सुनियो, अरे नोबिता, तुम्हें अभी से डर लगने लगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। वहाँ पर थोड़ा अंधेरा होगा और कोई डरने की बात नहीं। ये थोड़ा खतरनाक है ना? ये उतना भी खतरनाक नहीं है। सुनो, सबसे पहले मैं जाऊँगा और उसके बाद जियान जाएगा और उसके बाद नोबिता जाएगा, फिर शिजुका जाएगी और फिर डोरेमोन जाएगा। ठीक है, चलो। तो ठीक है दोस्तों, मेरी बारी, मैं जाता हूँ। नोबिता, इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है, चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ जाना, समझे? पता है। चलो फिर मिलते हैं। हाँ मैं जाता हूँ, इसमें डरने की क्या बात है। हाँ हाँ मैं सही हूँ। सुनो नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ डोरेमोन, बस थोड़ा सा अंधेरा ही तो है। अब तुम्हारी बारी है, जाओ। ऐसा है क्या? नोबिता ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, बस मैं चला। अरे इसमें डरने की क्या बात है, कितनी मजेदार चीज है ये। वहाँ पर एक चिड़िया थी, मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे जैसे तैसे यहाँ से गुजरना होगा। वो तो घबरा गया। जियान और सुनियो, तुम लोग कोई शरारत कर रहे थे ना? नोबिता कहाँ पर है? हमें वहाँ से उसकी आवाज आई थी, अब नहीं पता वो कहाँ है। नोबिता! डोरेमोन, शिजुका, बचाओ मुझे, वहाँ पर कोई है। नोबिता पीछे देखो। नोबिता तुम तो डर रहे हो। डोरेमोन, मैंने यहाँ पर एक भूत देखा, मेरा यकीन करो। वो तो जियान और सुनियो की शरारत थी और कुछ नहीं। क्या? हमें बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम इतना ज्यादा डर जाओगे। बहुत बुरी बात है। वो वहाँ पर क्या है? वो तो स्कूल जैसा लगता है। ये कोई पुराना सा स्कूल है शायद, ये तो एक खंडर लग रहा है। बहुत डरावना लग रहा है। ये आवाज कैसी थी? शायद हवा की आवाज होगी। ये तो पियानो की आवाज है। क्या वो किसी और ने भी देखा? अरे वो क्या है? अब अपनी ये हरकतें बंद करो। यकीन मानो डोरेमोन, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारी कोई चाल नहीं है। इसका मतलब ये सचमुच के भूत है। सुनो जियान, क्या हम सच में वहाँ वापस जाएंगे? हाँ बिल्कुल नोबिता, मैं देखना चाहता हूँ कि कल जिसे हमने देखा था, क्या वो चीज सच में भूत ही थी? मैं अंदर आ रहा हूँ। ऐसे मत करो जियान, क्या पता किसी ने जवाब दे दिया, फिर क्या होगा? चलो पहले अंदर अच्छे से देख तो लेते हैं। तुमने अपने जूते पहन रखे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर तो पहले से ही कितनी गंदगी है, दिख नहीं रहा तुम्हें?
यहाँ तो बहुत ज्यादा गंदगी है। बहुत डर लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी तरह और भी बच्चे आकर यहाँ पढ़ाई करते होंगे। हाँ, अरे यहाँ पर इधर आओ नोबिता। अब क्या हो गया? क्या दोस्तों, हम जिस चीज से डर गए थे वो असल में एक कंकाल था और कुछ भी नहीं। लेकिन सुनियो, ये तो चल रहा था ना? नहीं नहीं, हो सकता है हमें ऐसा लग रहा हो। जब हम घबराते हैं तो हमें हर चीज डरावनी लगती है। तुम चुप हो जाओ, मुझे कहीं से आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज कैसी है? ये ऊपर से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। तो वापस चलते हैं ना जियान? वापस क्यों नहीं जा रहे? यहाँ आने के बाद अब वापस जाना मुश्किल है। कौन है वहाँ? क्या तुम लोग हमें डरा रहे थे अब तक? तुम लोग कौन हो और बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? क्या कहा तुमने? और तुम लोगों ने अपने जूते भी नहीं उतारे। जब हम यहाँ सफाई कर रहे हैं तो तुम लोग जूते पहनकर अंदर क्यों आए? हमने जूते इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि यहाँ हर जगह गंदगी है। तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या? हम लोग अपने जूते उतार देते हैं, ये लोग यहाँ पर सफाई कर रहे हैं ना, ठीक रहेगा। वैसे मैं हूँ नोबिता, ये है शिजुका, ये सुनियो और ये है जियान। और मैं हूँ डोरेमोन। मैं हूँ शिजुका। हेलो, मैं हूँ इको। और ये दोनों हैं केंटा और नोरियो, मेरे दोस्त। इस खंडर जैसे स्कूल को तुम साफ क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये कभी हमारा स्कूल हुआ करता था और हमारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। फिर जब गर्मियाँ आई तो कुछ लोग यहाँ कैंप करने के लिए आए। उन्होंने पूरी दीवारों पर स्प्रे कर दिया, यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी फैला दी, पूरा स्कूल खराब कर दिया। अब हम सब मिलकर इस जगह की सफाई करते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? हमें तो दिन में भी इस जगह में डर लग रहा है। हाँ, डर तो लगता है क्योंकि यहाँ गंदगी ही इतनी है कि ऐसा लगेगा ही। इसका कोई खास कारण है क्या? हाँ, एक कारण है। यहाँ एक लड़की हुआ करती थी जो पियानिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन एक बड़े कॉन्सर्ट के पहले अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। कोई भी डॉक्टर उसको सही नहीं कर पाया और वो नहीं रही। क्या ऐसा हो सकता है कि वो... जिस दिन ये हुआ वो कॉन्सर्ट का दिन था। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे दुख हो रहा है। तो क्या इसका मतलब वो हर रात यहाँ पर आकर पियानो बजाती है? हाँ, शायद हो सकता है, इसीलिए हम लोग ये पियानो और क्लासरूम हमेशा साफ रखते हैं। ये तो वही लड़के हैं। इस तरह के लड़के यहाँ आकर दीवारों पर लिखते हैं, अपनी बहादुरी दिखाते हैं और पूरा स्कूल गंदा कर देते हैं। मैं समझ सकता हूँ। अब जब तुम समझ गए हो तो बाहर जाओ और हमें सफाई करने दो। अच्छा ठीक है, हमने सुन ली बात, लेकिन... लेकिन क्या? अब जाओ यहाँ से। लेकिन हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। चलो। अरे मेरे लिए रुको, मैं भी आता हूँ। मजा आ रहा है। तुम सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज इतनी मेहनत करने से मैं बहुत थक गया। अब ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम ही ने सबसे पहले कहा था ना कि चलो चलकर मदद करें। अरे ये वो तीनों हैं। हाँ, और इनके पास लाइट और स्प्रे पेंट भी है। ये क्या करने वाले हैं? लगता है आज रात को ये स्कूल में जाने वाले हैं। हमने अभी अभी तो वहाँ की सफाई की है दोस्तों। तो फिर तैयारी करके इन्हें डराते हैं और इन्हें यहाँ से भगा देते हैं। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है जियान। रात में तो चीजें और डरावनी हो जाती हैं। हम इनसे उनको मजा चखाएंगे दोस्तों। क्या वो क्या था ऊपर? ऊपर सेकंड फ्लोर पर कोई दौड़ रहा है।
अरे नोबिता, ये सिर्फ हवा की आवाज है, तुम इतना मत डरो। ये तो पियानो की आवाज है। ये म्यूजिक रूम से आ रही है। कहीं ये वो लड़की तो नहीं? नहीं नहीं, डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा, देख लेना। सब सही रहा, वो लोग यहाँ से डरकर भाग गए। अरे क्या तुमने देखा? हाँ हाँ, मैंने भी देखा, शायद वो कहानी सच्ची है जियान। अरे नोबिता और डोरेमोन कहाँ है? वो हमारे साथ ही थे, कहीं उन्हें किसी ने कैद तो नहीं कर लिया? अरे वो देखो, वो लड़के आ रहे हैं। हम हैं डोरेमोन और नोबिता। हमें नहीं पता था कि तुम लोग हो, हमने सोचा कि कल वाले लड़के हैं जो यहाँ गंदगी फैलाते हैं। तुमने हमें डरा दिया था। क्योंकि यहाँ पे अजीब अजीब लोग आते हैं तो हम उन्हें इसी तरह डरा कर भगा देते हैं। ऐसा है क्या? कार की आवाज, लगता है कल वाले लड़के होंगे। तब तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या सच में? तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है तो चलो हम भी इनकी मदद करते हैं। मैं इनविजिबल क्लॉथ की मदद से उन्हें डरा कर भगा दूंगा। हाँ ये तो मजेदार है। बहुत ही अच्छा मौका है, चलो कुछ डरावना सा ड्रॉ करते हैं। हवा की आवाज है, डरने की जरूरत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ अपने सिग्नेचर छोड़ देते हैं। हा? चलो चलो, चलते रहो, रुको मत। अरे यहाँ कौन है? अरे क्या हुआ तुम्हें? अभी अभी पीछे से मुझे किसी ने खींचा था। अब तुम हमसे मजाक मत करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये सब हरकतें कर रहे हो? अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर ये कौन कर रहा है? मैंने कहा था ना, डरो मत, चलते रहो, चलो चलते हैं। अब पता है हम इन्हें कैसे डराएंगे? अब मैं ये क्या तुमने भी सुना? मुझे अभी अभी किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे तो लगता है जरूर यहाँ पर कोई भूत है। अब हम लोग क्या करें? ये जगह तो बहुत खतरनाक है, यहाँ से चलते हैं। आप, मैंने कहा था ना, डरने की जरूरत नहीं है, ये तो कुछ ऐसे ही है। अरे ये क्या है? हे दरवाजा खोलो यार। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुम ही क्यों नहीं खोल देते? अरे तुम्हें डर लग रहा है? तुम बहुत ही डरपोक हो। अब जरा देखो मैं कैसे खोलता हूँ। अब ये कौन है? ये लो, खुद ही देख लो, मैंने कहा था ना ये एक छोटा सा बच्चा है। अरे सब लोग कहाँ गए? तुम्हारे साथ और भी है ना, बोलो। मुझे समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे? माफ करना, मैं पकड़ा गया। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि तुम स्कूल में गंदगी फैलाते हो। अरे ये टूटा फूटा स्कूल तो वैसे भी खत्म होने वाला है। हाँ तुमने सही कहा, और हम तो बस स्कूल को गिराने में उनकी जरा सी मदद कर रहे थे। तुम क्या करने वाले हो? ये हमें डराने के लिए तुम्हारी सजा है, हम स्कूल को जला देंगे। क्या? ये तो बुरी बात है, अब हम क्या करें, बताओ कुछ। समझ गया। अब भला तुम कौन हो? मैं दिख रहा हूँ। अभी तुम लोग बच्चे हो, क्या कोई और भी है यहाँ पर? एक और है वहाँ पर। अच्छा तो तुम लोग वहाँ छिपे हो, चलो निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। देखो यहाँ पर भी एक बच्चा है, अभी पकड़ता हूँ इसे। मुझे लगता है ये भी इन्हीं की चाल होगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब डोरेमोन ने किया है। बहुत बढ़िया डोरेमोन।
हुआ क्या है? डोरेमोन, हाँ हमने कर दिखाया, अब यहाँ मत आना, ठीक है? क्या हो गया? ये लोग कौन है बताओ हमें जल्दी। ये सचमुच के भूत हैं डोरेमोन। अरे कोई बात नहीं, डरो मत, ये सब डोरेमोन के ही तो गैजेट्स हैं। मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मजाक मत करो डोरेमोन, हमें डराने की कोई जरूरत नहीं है, वो लड़के वैसे भी भाग गए हैं, समझे? लेकिन मैं तो चूहे से डर कर बेहोश हो गया था ना। इसका मतलब हुआ कि तुम इतनी देर से असली भूत के साथ थे। तुम्हें क्या समझ में आया डोरेमोन? वो असल में डोरेमोन, ये देखो। अरे ये तो वो गैजेट है जो किताबों में से लोगों को बाहर निकालता है। जब मैं उस चूहे से डरा तो ये गैजेट मेरी पॉकेट से निकलकर गिर गया था। और उसके बाद गलती से फिर से किताब पर गिर गया था, है ना? हाँ, और ये अपने आप ही ऑन हो गया था। अरे नहीं, चलो अब मैं इसे वापस रख लेता हूँ। बाल बाल बच गए। हमारी मदद करने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें खुशी है कि हम स्कूल को बचा पाए। लेकिन ऐसा ना हो कि वो लड़के फिर वापस आ जाएं। सुनो, मैं तुम्हें ये गैजेट दे देता हूँ, अगर वो लोग यहाँ वापस आए तो तुम उन्हें डरा कर भगा देना, ठीक है ना? क्या हम सच में ये गैजेट ले सकते हैं? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। अरे वाह, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। फिर मिलेंगे दोस्तों। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर जरूर आएंगे। अपना ध्यान रखना। अब तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं डराएगा दोस्तों। बाय बाय। स्कूल का ध्यान रखना दोस्तों। हाँ बिल्कुल। Go, 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 go